नमस्कार दोस्तों, मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर सनीता प्रदीप रसोई से दवाई में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एनडब्ल्यूएम नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस हीलिंग थेरेपी है और इसके कई टूल्स हैं। इसका एक टूल है आहारम। आहारम में हम आपके भोजन में कुछ खास चीजें ऐड करके आपको स्वास्थ्य प्रदान कराने की कोशिश करते हैं, आपको रोगों से बचाने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में आज मैं आपको बताऊंगी गंजेपन को दूर करने के और समय से पहले सफेद बालों को काले करने के आसान उपाय। फ्रेंड्स, गंजापन कई कारणों की वजह से होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम यानी किसी भी कफ विकार से हुए सफेद बालों को काले करने के उपाय की और गंजेपन को दूर करने के उपाय की। इसके लिए आप 10 काली मिर्च सुबह और 10 काली मिर्च शाम रोज चबा चबा कर खाएं। आप तिल भी चबा चबा कर खा सकते हैं सुबह शाम। और गंजेपन को दूर करने के लिए आप लहसुन का रस भी लगा सकते हैं। लहसुन को आप पीस लें और उसे आप छन्नी में छान कर उस रस को लगा सकते हैं। अगर आप इतना काम नहीं कर सकते हैं तो आप उसका लेप भी लगा सकते हैं अपने बालों में। गंजेपन को दूर करने के लिए आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से तेल भी बना सकते हैं। इसके लिए आप कलौंजी लें और कलौंजी को आप कांच की शीशी में डाल दें, उसके ऊपर आप तिल का तेल डाल दें और इस शीशी को आप धूप में रखें 10-12 दिन के लिए। आपको सुबह को शीशी रखनी है और रात को उठा लेनी है, और इसको रात को जब आप उठाएंगे तो एक बार उसको चला देना है। और इस शीशी को आपको लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखना है, डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। और तेल को आप अच्छे से मिक्स कर लें 10-15 दिन बाद, तो तेल ऊपर आ जाएगा। आप ऊपर से तेल से अपने बालों की मसाज करें, अपने सिर की मसाज करें तो आपके बाल जाएंगे, और अगर बाल नहीं है गंजे हैं तो आपके सर पर बाल भी उग जाएंगे। ऐसे ही आप काली मिर्च का भी तेल बना सकते हैं, वो भी आपके कफ विकारों को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। और जब आपके कफ विकार दूर हो जाएंगे तो आपके बाल भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही आसान उपाय जो आपके कफ विकार को दूर करके आपके बालों को लाने में आपकी हेल्प करेंगे। और इनमें से जो भी उपाय आप करें, रेगुलरली करें 2-3 महीने, तो आप देखेंगे आपको जरूर फायदा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या आपकी कोई और समस्या है तो हमें अपना फोटो और अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर भेजें। एनडब्ल्यूएम रिसर्च सेंटर आपकी सभी समस्याओं को दूर करने में आपकी हेल्प करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।